Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, in our previous video, we have discussed the session 1 of unit 4, that is working with accessibility options. In this video, we will discuss the session 2 of unit 4, that is web applications and security. And the name of the session is Understand Networking Fundamentals. इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं दैट विल बी रिलेटेड टू नेटवर्किंग. दीज आर द वेरियस सब टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो. वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स. देन व्हाट आर द क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. व्हाट इज इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग. हाउ टू गेट एक्सेस टू इंटरनेट. व्हाट इज ISP, इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज. एंड व्हाट आर द वेरियस इंटरकनेक्टिविटी ऑप्शंस. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग इट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. I think you all have heard this term earlier also, that is networking, right? Computer networking. अब इसकी जो definition है, इसका meaning क्या है? Let's understand this. A computer network is a collection of computers. ठीक है, जितने भी मेरे पास computers हैं, उसका collection, काफी सारे computers हैं, and other hardware components. अब it's not necessary कि computer network में आपका सिर्फ collection of computers ही हो. No. We can have hardware devices also, like printers, वो भी आपका networking में हो सकते हैं. Interconnected by communication channels, cable और satellite, जो आपके काफी सारे computers होंगे, that will be connected through a transmission medium, that means your communication channel. Clear हो गया अब तक? हमने सिर्फ क्या क्या पढ़ा कि जो आपके computer network है that is a collection of computers, right? Means काफी सारे computers हैं, they will be इंटरकनेक्टेड, सारे आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, राइट? बाय कम्युनिकेशन चैनल्स. दीज आर द कम्युनिकेशन चैनल्स. क्यों? किस मीडियम के थ्रू कनेक्ट है? दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन. जो मेन पर्पस होता है नेटवर्किंग का, कि हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, दैट इज टू अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. मीन्स हम अपने रिसोर्सेस, कोई भी हार्डवेयर या अपना कोई डेटा, कोई फाइल हम शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप लोगों के स्कूल में कंप्यूटर लैब है. सो मेनी कंप्यूटर्स आर देयर, ठीक है? अब एट सम प्लेसेस देयर इन द नेटवर्किंग, या फिर हो सकता है स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हो, राइट? नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू टेक प्रिंट आउट, कि मुझे प्रिंटर भी अटैच करना है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट आई हैव टू टेक, मींस इफ आई एम हैविंग 20 पीसेस देयर, सो आई हैव टू टेक 20 प्रिंटर्स आल्सो. हर एक सिस्टम के साथ एक एक प्रिंटर अटैच करना पड़ेगा. But if I could create a network of all these computers, so I can buy one printer only, right? That printer will be shared among all the computers in that particular network. तो हम अपना डेटा तो ट्रांसफर और शेयर कर ही सकते हैं, प्लस साथ में हम लोग के अपने रिसोर्सेस को भी शेयर कर सकते हैं. So networks are designed using the following architecture. Two architectures basically जिस पर ये work करता है. इसकी डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट? फर्स्ट वी विल डिस्कस पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जो मेन पॉइंट है, दैट इज पीयर टू पीयर इज अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स शेयर डेटा डायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स आपस में ही शेयर करते हैं, इसमें हमारे पास सर्वर नहीं होता है. Whereas in client server architecture, वहां पर मेरे पास एक सर्वर होगा, राइट? सर्वर भी अभी बताएंगे क्या होता है. बट इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर वी डोंट हैव द सर्वर. सारे के सारे कंप्यूटर्स जो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, वो डेटा को शेयर करेंगे विद ईच अदर. शेयर डेटा डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ अ सेंट्रल सर्वर. इसमें जो आपका सर्वर है वो नहीं होता है. एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे कंप्यूटर्स हैं एंड दीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली. अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट इज माई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. अब
इसमें मेरे पास टू टर्म्स आर देयर, क्लाइंट एंड सर्वर, राइट। नाउ सी दिस डायग्राम एट द राइट साइड, दिस इज माय सर्वर। सर्वर बेसिकली होता क्या है, वन पावरफुल कंप्यूटर होता आपका कंप्यूटर सिस्टम ही है, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी ज्यादा होते हैं, इतनी हाई होते हैं कि इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, प्लस इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होती है, फास्ट होती है। सो दिस इज माय सर्वर एंड रिमेनिंग कंप्यूटर्स आर, इनको हम बोलते हैं क्लाइंट, दीज आर माय क्लाइंट कंप्यूटर्स। सो व्हेनेवर एनी क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस द डेटा, वो किससे कॉन्टेक्ट करते हैं, सर्वर से। तो ये आपका किस पर बेस हो गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। सो सी दिस डेफिनेशन नाउ, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, ठीक है, यही एक्सप्लेन किया है। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स, ये सर्विस को प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करता है, क्लाइंट्स को। सो दिस इज नोन एज माई सर्वर एंड द वंस दैट यूजेस दिस सर्विसेज आर कॉल्ड एज क्लाइंट, बाकी कंप्यूटर्स उनकी सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। सो दीज आर द क्लाइंट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट वन इज योर पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड इज योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड इज माई मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ इज द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें आपका एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं इस टॉपिक में से, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद पैन। अब पैन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होगा, इट इज अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले, सपोज यू वॉन्ट टू शेयर द डेटा बिटवीन टू लैपटॉप, या यू वॉन्ट टू कनेक्ट योर मोबाइल फोन टू योर लैपटॉप, काफी डिस्टेंस इसका स्मॉल होता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नेटवर्क यूज होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हेनेवर यू आर शेयरिंग द डेटा बिटवीन टू मोबाइल फोन्स, टू लैपटॉप्स, वन लैपटॉप एंड प्रिंटर, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन, राइट, काफी रेंज इसकी क्या होगी, स्मॉल होगी, अप्रोक्स 10 मीटर्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद केबल्स और वायरलेस भी। जैसे आपने फोन और लैपटॉप भी कनेक्ट करते हो, तो थ्रू डेटा केबल वी कैन कनेक्ट, प्लस थ्रू वायरलेसली ऑल्सो वी कैन कनेक्ट। तो ये आपका थ्रू केबल्स भी कनेक्ट हो सकता है, प्लस वायरलेस ऑल्सो। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। जनरली इट इज कन्फाइंड टू अ बिल्डिंग ओनली, मीन्स आपके स्कूल में, कॉलेज में हो गया, ऑफिस कैंपस, बिल्डिंग्स, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली इसकी रेंज जो होगी वो दैट विल बी मोर देन योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये उससे थोड़े से लार्ज स्केल पर है, दैट इज इट इज कन्फाइंड विद इन अ सिटी। मैन इज द नेटवर्क्स कवर अ ग्रुप ऑफ नियर बाय कॉर्पोरेट ऑफिसेस और अ सिटी, राइट। अगर मैं मल्टीपल लैंड्स को भी कनेक्ट करना चाहूँ, मीन्स एक लैंड मेरा एक बिल्डिंग में है, उसके बाद एक और लैंड मेरा दूसरे बिल्डिंग में है, राइट, एट सम अदर प्लेसेस, तो उसको भी मैं वापस में कनेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैन। इट रेफर्स टू द नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया एज बिग एज सिटी, राइट। अब लास्ट इज माई, अब ये सारे आपस में लैन थे बच्चों, राइट, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है, अब ये किस में फॉर्म हो गए, दैट इज मैन, और आपका एक सिंपल नेटवर्क हो सकता है विद इन अ सिटी। लास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, अ वाइड मीन्स काफी सारा एरिया कवर करेगा वो, दैट इज एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, मीन्स आउटसाइड द सिटी, ठीक है। एज यू नो इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस, वर्ल्ड वाइड वेब स्प्रेड है। सो द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन एंड इज यूज बाय बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। इसमें हम डिफरेंट लैंड को भी, मैं को भी कनेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड द सिटी ऑल्सो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पैन, उसका एरिया काफी स्मॉल होगा। देन वी हैव स्टडीड लैंड विद इन अ बिल्डिंग,
देन मैन विद इन अ सिटी एंड देन वैन ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वैन. सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म लिखोगे. लैंड स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. फर्स्ट इज नेक्स्ट, इट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया. Whereas जो आपका वैन होगा, इट इज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया. ऑल ओवर द वर्ल्ड इट विल गेट स्प्रेड. एंड लैंड इट इज कन्फाइंड टू अ बिल्डिंग जनरली. इट यूजली कॉस्ट लेस टू सेट इट अप. ऑब्वियसली उसके रेंज स्मॉल है तो उसकी जो सेटअप कॉस्ट होगा वो भी कम होगा. Whereas in van, all over the world spread है तो it costs higher to set it up. इसको अगर हमें set up करना हो तो उसकी cost क्या होगी? ज्यादा होगी. It is usually a single network. LAN आपका एक single network होगा. But जो आपका van है that is, it is usually a network of many networks. कि काफी सारे networks को combine करके आपका क्या बन जाता है? Van. Right? इसी तरीके से I hope आपको ये clear हो गया होगा. तो LAN और MAN में भी अगर difference आ जाए तो you can write it down. Right? Now let's understand the term internet. Of internet you all are using, right? Iska meaning I think most of the students you know this. Internet is a global system of interconnected computer networks. Generally it is known as the network of networks. Global system means all over the world spread of interconnected computer networks. Ab dhyan se ye chiz term dekho, interconnected computer network. अब कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है मेरे, अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क लेकर के चलो, वो भी आपस में कनेक्टेड हैं, उसको भी मैं क्या कर रही हूँ? इंटरकनेक्ट कर रही हूँ. तो दैट मीन्स दैट्स व्हाट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. दैट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड. राइट? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स. ये सारे नेटवर्क्स इसमें आते हैं. Now see, this you all know, internet is one of the most useful technologies of modern times, which helps us in our daily, personal and professional life. Daily life mein bhi aap log internet use kar rahe ho for playing games at homes, personal life mein bhi plus professional life mein bhi. Aaj ka studies ke liye bhi internet ka kaafi zyada use hai, right? Ab it depends upon you, totally on you ki how you are accessing it, right? Ki aap usko kitna time utilize kar rahe ho, kitna time internet pe spend kar rahe ho. So it totally depends upon you. Next term we are having www, that is World Wide Web. Whenever you open any website, वहाँ पर लिखते हैं www.google.com, www. कोई भी website का name. So what is this actually www? And the full form of this is World Wide Web. This term was coined by the person Tim Berners-Lee, right? जो www term है, World Wide Web. इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने. दिस इज ऑल्सो नोन एज W3 और सिंपली द वेब. इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस विया द इंटरनेट. अब इसको एक एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं. ये तो क्लियर हो गया वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड, राइट? अब इंटरलिंक्ड मीन्स जो आपस में लिंक होंगे. आप कुछ भी सर्च करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक होते हैं. एक लिंक पर क्लिक करके हम दूसरे पेज पर विजिट करते हैं. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. अब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटरनेट पर जितने भी पेजेस हैं, जो भी आप ओपन करते हो, इनको हम बोलते हैं वेब पेजेस, राइट? वो वेब पेजेस जो आपके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक्सेस्ड विया द इंटरनेट. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सेस दैट, राइट? नाउ विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस That may contain, अब वेब पेजेस में आपके क्या क्या आते हैं? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया, एंड नेविगेट बिटवीन देम विया द हाइपरलिंक्स. विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स आप उनको, मीन्स जो भी आपके वेब पेजेस हैं, वी कैन विजिट दैट. अब यहाँ पर एक टर्म आई है वेब ब्राउजर. इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. वेब ब्राउजर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू व्यू द वेबसाइट, राइट? Next, information is stored on the web server, referred to as web pages, are retrieved by using a web browser such as Firefox या कोई भी Google Chrome, जो भी आपका web browser है, on the local computer. अब आप internet पर जो भी search करते हो, आपको जो भी request, means जो आपने search किया, उससे related result मिलता है, वो सारे web pages कहाँ पर store होते हैं? Server पर.
और किसकी फॉर्म में, वो वेब पेजेस की फॉर्म में होते हैं। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर, रेफर टू एज वेब पेजेस की फॉर्म में स्टोर होगा, आर रिट्रीव्ड बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर यहाँ पर जो आपका क्लाइंट सिस्टम है वहां पर वर्क करेगा, वहां से उसको रिट्रीव करके वो वेब ब्राउजर को देगा ऑन द लोकल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर विच यू आर यूजिंग। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज माई क्लाइंट कंप्यूटर और यू कैन सी योर लोकल कंप्यूटर। अब सपोज दिस द पर्सन सिटिंग ऑन दिस कंप्यूटर वॉन्ट्स टू सर्च द ओपन द वेबसाइट www.letsuppose.example.com। तो फर्स्ट नंबर पे इसने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड किया, इसके पास कंप्लीट डेटाबेस होता है, रिपोजिटरी ऑफ डेटा, ये वहां पर उसको सर्च करेगा, राइट? फिर ये उसको वापस से रीडायरेक्ट कर देगा कि दैट मींस कि आपका डॉक्यूमेंट हो गया, इसको सर्च कर दिया। अब वो मींस जो लोकल कंप्यूटर है, काफी सारे लिंक्स आ जाते हैं, अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी कैन सर्च आवर टॉपिक। नेक्स्ट टर्म है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। सो अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट इज यूज्ड टू व्यू द वेबसाइट्स एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? वेब ब्राउजर आपका जनरली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है वो क्या बोलते हैं, गूगल इज अ वेब ब्राउजर। नो, गूगल इज अ सर्च इंजन। हाँ, बट यू कैन से गूगल क्रोम इज माई वेब ब्राउजर, राइट? देर आर अदर वेब ब्राउजर्स ऑल्सो लाइक ओपेरा, फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट? नाउ सी, अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। वेब सर्वर आपका क्या एक सिस्टम ही है, कंप्यूटर सिस्टम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसिंग पावर दैट विल बी वेरी हाई। इट स्टोर्स वेबसाइट्स वेब पेजेस की फॉर्म में एंड देयर रिलेटेड फाइल्स, ठीक है, उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी उसको भी स्टोर करेगा फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस वेब ब्राउजर। दिस इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एंड दिस वन इज फॉर नेटस्केप नेविगेटर, राइट? एक सर्वर है जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट आर वेरी हाई, राइट? नाउ सी, वी आर हैविंग वेरियस एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेटवर्किंग के बारे में हम काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। फर्स्ट वन इज डेटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग एंड इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। अब इसमें जो एक चीज मुझे कॉमन लग रही है दैट इज शेयरिंग। ऑब्वियसली अब नेटवर्किंग क्रिएट की है, नेटवर्क हमने क्रिएट किया है तो उसमें हम अपना क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, लाइक अपने डेटा की, फाइल की, रिसोर्सेज की, इस तरीके से। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेटा शेयरिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा, नो मैटर वेर योर फिजिकल कंप्यूटर इज देयर। इफ दे आर कनेक्टेड इन अ सिंगल नेटवर्क तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर कॉम्पोनेंट सच एज प्रिंटर, स्कैनर कैन ऑल्सो बी शेयर। द सेम एग्जाम्पल विच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर्स फॉर ईच यूजर, मेरे पास 10 यूजर्स, 10 कंप्यूटर सिस्टम है। अब मुझे प्रिंटर लगाना, अटैच करना हर एक के साथ। सो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर्स फॉर ईच यूजर, वट विल आई डू, आई विल परचेज वन प्रिंटर and it can be shared among multiple users. इससे आपकी जो cost है वो भी क्या हो गई, save हो गई। So this can be considered as an advantage of networking. Data sharing हो रही है different computer systems के बीच में, right? Next point is internet access sharing. आप internet use करते हो, हम उसको भी अगर हमने दो means जिस जिस के आपने बीच में internet share करना है, अगर हमने उनके बीच में भी network create कर दिया तो देन इंटरनेट ऑल्सो वी कैन शेयर। वी कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। सेम जैसे हमने हार्डवेयर के केस में पढ़ा, सिमिलरली हियर ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर, व्हाट वी विल डू, वी विल परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन और उसको नेटवर्किंग से हम कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज वेरी कॉमनली फाउंड इन द इंटरनेट कैफे, ब्राउजिंग सेंटर्स हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज। आप लोगों ने स्कूल्स में भी देखा होगा, अगर या फिर कैफे में अगर आप गए हो तो काफी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, अब उतने इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते, राइट? वो आपका उसमें नेटवर्किंग से क्या कर रखा होता है, कनेक्ट कर रखा होता है। लास्ट एडवांटेज इज माई फाइल ट्रांसफर।
ऑब्वियसली नेटवर्किंग की है तो आई कैन शेयर माई फाइल्स ऑल्सो. यूजर्स कैन सेंड और शेयर देयर टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स टू अदर यूजर्स. इन शॉर्ट वी कैन से वी कैन शेयर और ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ फाइल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट टॉपिक आता है गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट. अब अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है, इंटरनेट चाहिए एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, प्लस आपको क्या क्या पता होना चाहिए, राइट? टू यूज द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. वेरी बट ऑब्वियस है, ठीक है, कि इफ यू वॉन्ट टू यूज द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. दिस इज द टेक्निकल टर्म. जब भी हमको इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो किसी कंपनी का लेते हैं, लाइक BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, राइट? तो उनको हम क्या बोलते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट? नाउ सी, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वे डायल अप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन. मीन्स ISP आपका क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस कंपनी का आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ISP, एंड विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट. वो आपको इंटरनेट एक्सेस देंगे. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है विच कनेक्शन यू आर परचेजिंग, लाइक डायल अप, डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन, राइट? यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स और होम यूजर्स यूज कनेक्टिविटी टाइप सच एज, मीन्स जहां पर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कम यूजर्स हैं, तो देयर वी कैन गो फॉर DSL, केबल मॉडम हो गया, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, WiMAX और 3G कनेक्शन. बट जहां पर मीडियम टू लार्ज बिजनेस यूजर्स और कस्टमर्स हैं विद मोर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स, जहां पर इंटरनेट स्पीड में मुझे ज्यादा चाहिए, तो देयर वी कैन यूज DSL. इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, राइट? प्लस ISDN ऑल्सो. फर्स्ट नाउ सी दिस टर्म मॉडम. द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. दिस इज अ काइंड डिवाइस जो आपका क्या है, मॉडम है. अ मॉडम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, इसका जो मेन काम होता है सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, राइट? अ मॉडम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रेवल ओवर द फोन लाइन्स. इट ऑल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू द डिजिटल सिग्नल्स. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ मॉडम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी. अब हमारे पास 6 इंटरनेट कनेक्टिविटी की टाइप्स हैं, दैट इज डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G, WiMAX एंड Wi-Fi. अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं बच्चों, तो फर्स्ट 3 आर माई वायर्ड कनेक्शंस, राइट? डायल अप, DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस, दीज आर माई वायर्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी. वेयर एज लास्ट 3 लाइक 3G, WiMAX, Wi-Fi, दीज आर माई वायरलेस कनेक्शन. तो आपको एग्जाम में अगर आता है कि नेम एनी टू वायरलेस एंड वायर्ड कनेक्टिविटी इंटरनेट के लिए, सो यू कैन राइट एनी टू एग्जाम्पल फ्रॉम ईच कैटेगरी. नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. ये आपके सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स हैं कि अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो कौन सा आप परचेज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज डायलअप. डायलअप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटी ऑफ PSTN, मींस पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन. इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा मॉडम है वो हमारी फोन लाइन से कनेक्ट होता है, राइट? अ डायल अप कनेक्शन इज एनी कनेक्शन दैट इज कनेक्टेड थ्रू अ रेगुलर फोन लाइन. जो हमारा लैंडलाइन होता है उससे कनेक्ट होगा व्हेन दैट फोन लाइन इज कनेक्टेड टू अ मॉडम एंड देन कॉन्फिगर्ड टू डायल अ स्पेसिफिक नंबर, अ यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट. इट इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन बट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल्सो बींग द मोस्ट इनएक्सपेंसिव. ऑब्वियसली अगर स्लो इंटरनेट कनेक्शन है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी, इट विल बी इनएक्सपेंसिव. डायलअप कनेक्शन आर एक्सट्रीमली स्लो एंड इन मोस्ट केसेस इट इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई स्पीड कनेक्शन सच एज DSL और केबल मॉडम. तो DSL आपका इसकी स्पीड क्या होती है, काफी हाई होती है. दिस इज द एग्जाम्पल अगर किसी ने यूज किया हो डायलअप कनेक्शन, राइट? इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर और पासवर्ड फिल करके उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज माई DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क.
और इसकी जो मेन एडवांटेज है दैट इज इट्स स्पीड। इसकी स्पीड जो है वो काफी फास्ट होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग केबल इंटरनेट एक्सेस। अब केबल इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका टेलीविजन का केबल होता है विद द हेल्प ऑफ देन वी कैन कनेक्ट आवर इंटरनेट आल्सो। केबल इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क। जो आपका केबल टीवी नेटवर्क होगा उसी से ही आपको क्या मिलता है, इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। दिस इज सिमिलर टू DSL दैट इज प्रोवाइडेड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। नेक्स्ट इज माई 3G थर्ड जनरेशन। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ये आपका जनरली मोबाइल फोन्स में यूज होता है। इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। इफ सपोर्ट फॉर 3G इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन, अगर आपके पास कोई हैंडसेट है मोबाइल, तो अगर उसमें 3G सपोर्ट अवेलेबल है तो वी कैन सब्सक्राइब टू द 3G कनेक्टिविटी विद योर ISP राइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू गेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर फोन। नेक्स्ट वी आर हैविंग WiMAX। द फुल फॉर्म ऑफ WiMAX इज वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज राइट। अगर मुझे अक्रॉस सिटीज कंट्रीज में कुछ कनेक्टिविटी चाहिए हो तो वी कैन गो विद WiMAX। ऑब्वियसली अगर मैं अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज की बात करूं तो दिस इज अ लॉन्ग रेंज सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, कवरिंग मेनी किलोमीटर्स एंड इज टिपिकली यूज वेयर DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज। क्योंकि DSL और केबल जनरली हमारे वो वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए है एंड दिस इज माई वायरलेस कनेक्शन। दिस कुड बी डिफिकल्टी मीन्स जहां पर आप केबल कनेक्शन नहीं ले सकते रिमोट लोकेशन, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, WiMAX। नेक्स्ट वी आर हैविंग Wi-Fi एंड द फुल फॉर्म ऑफ Wi-Fi इज वायरलेस फिडेलिटी। इट इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, आप वायरलेसली जो उस नेटवर्क पे अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसकी स्पीड भी क्या होती है, काफी फास्ट होती है। Wi-Fi इज यूज वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन, ठीक है, टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। इस मेंशन के जनरली हम कहां कहां पर इसको यूज करते हैं, राइट। नाउ सी द लास्ट टॉपिक दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। हैविंग टॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर एंड द इंटरनेट, हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर डिस्टेंट एरिया इन अ फ्यू सेकेंड्स। और ऐसा भी होता है कि आप जब भी नेट पर कुछ सर्च कर रहे हो, अब उसी टाइम पर काफी सारे पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टॉपिक सर्च कर रहे होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सर्च कुछ किया और आपको रिस्पॉन्स कुछ और ही मिल गया, मीन सपोज यू आर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू पीस ऑफ डेटा से अ वेब पेज व्हेन इट इज ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। एक्चुअली इसकी वर्किंग कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो जो हमारा डेटा होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज बाय पैकेट्स, राइट। तो जनरली होता क्या है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, सपोज ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, कुछ सर्च करना है, नेटवर्क में काफी सारे कंप्यूटर्स हैं, राइट। अब काफी सारे कंप्यूटर्स हैं जो सर्च कर रहे होंगे। अब क्या होता है बच्चों, आपने जो डेटा सर्च किया That is divided into small parts known as packets. अब ये सारे सिस्टम भी आपस में कनेक्ट होंगे, राइट। अब क्या होता है, जो आपने ये पैकेट्स में अपने डेटा को डिवाइड किया है, ये डिफरेंट रूट से जाते हैं। मीन्स एक पैकेट मेरा यहाँ से गया, एक पैकेट इस रूट से गया, एक पैकेट इस रूट से, राइट। सपोज मेरे पास ये 5 पैकेट्स थे तो डिफरेंट रूट्स में गए। अब इट मे बी पॉसिबल कि जब डिफरेंट रूट्स फॉलो कर रहे हैं, सपोज दिस इज माय डेस्टिनेशन सिस्टम, तो यहाँ पर ही आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो। मींस जो इनका ऑर्डर था दैट इज दिस वन इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हो सकता है इसके पास इस ऑर्डर में ना पहुंचे हो सारे पैकेट्स, तो एट डेस्टिनेशन सिस्टम वी हैव टू रीअसेंबल दिस पैकेट्स ऑल्सो। ये कम्प्लीट इसका प्रोसेस रहता है, राइट। सो ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पर आपको उस
पैकेट को, मीन्स जो आपका मैसेज है वहां पर डिलीवर करना। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड। इफ एनी पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज, कोई भी अगर पैकेट मिस है, डैमेज है, तो अ मैसेज इज सेंड आस्किंग फॉर देम टू बी, उसको रिसेंड कराएंगे और एट द डेस्टिनेशन वो उसका रिसेंबल हो जाएगा। एंड दिस इज डन इन सेकेंड्स, तो आपको पता भी नहीं लगता। प्लस जब भी आप कुछ सर्च करते हो, आपकी सिस्टम का आईपी एड्रेस साथ में जाता है एम्बेड होकर के, तो सर्वर को ये पता लगता है किस आईपी एड्रेस से किस टॉपिक की रिक्वेस्ट आई है, तो उसी अकॉर्डिंग वो डेटा को उस तरीके से ट्रांसफर करता है। राइट, सो विद दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड द सेशन 2 ऑल्सो ऑफ यूनिट 4। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द सेशन 3 इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। राइट, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लस काफी शॉर्ट टॉपिक है ये। आई होप इस वीडियो के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। इफ अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।